कड़वी सच्चाई, जब रिश्ते रुलाए तो दुनिया में सबसे कीमती हमारी मेहनत है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। मुश्किलें हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। तुमसे झूठा प्यार करने वाला अक्सर छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा। जिसे दिल से चाहो वो अगर किसी और को चाहे तो समझ लो, कहो या ना कहो मगर बहुत तकलीफ़ होती है। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है अक्सर वो मुरझा जाया करते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। पहले घर कच्चे हुआ करते थे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिल यही तो दुनिया का गहना है। अपनी पत्नी के साथ इज्जत से पेश आया करो, क्योंकि तुमसे ही तुम्हारा बेटा सीखेगा कि औरत से कैसे व्यवहार करना है और बेटी सीखेगी कि आदमियों से कितनी उम्मीद रखनी है। एक गैर मर्द के साथ स्कूटी पर बैठना चरित्रहीन कहला सकता है, लेकिन गैर स्त्री को स्कूटी से छोड़ना सेवा है। गैर मर्दों से दोस्ती पाप है, गैर स्त्रियों से दोस्ती मतलब सामाजिक होना। स्त्री के लिए घर से देर से लौटना मतलब अय्याशी, और पुरुष का घर देर से आना मतलब ज़्यादा काम। स्त्री का खुलकर हंसना मतलब पुरुषों को रिझाना, पुरुष का हंसना मतलब खुशियों का खजाना। वाह रे जमाना, वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कद्र करना। स्त्री लड़ना नहीं चाहती पर लड़ जाती है उस पुरुष से जिस पर अपना अधिकार समझती है। बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ सौंपिए जो खुद से ज़्यादा आपकी बेटी को चाहे, ना कि उसे ऐसे शख्स के हाथों में थमा दें जो उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करे। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। ज़िंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो तो इतना हौसला ज़रूर रखना कि दिन बुरा था ज़िंदगी नहीं। टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। जैसे ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप ले लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेगी। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना और कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है पर कीचड़ में पत्थर मारे कौन, ये सोचकर चुप हो जाते हैं।
कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही हानिकारक होते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपके आप परिचय देंगे। दो बातों से बच कर रहें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अहम और सबको मेरी ज़रूरत है, वह हम। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। आंखों में पानी रखो, ओंठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। आनंद एक आवास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। एक खूबसूरत दिल हज़ार खूबसूरत चेहरों से ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग चुनो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। बुरा वक्त आना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। मिट्टी के बने इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पर गुरूर करते हैं, दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ कामयाबी का हाथ तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है, आदमी अगर टान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय दो बार पूछ कर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ, किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए खुदा से मांग कर तो देखो, खुद के लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही वक्त पर सही इंसान और सही चीज़ मिले, वक्त भी हमेशा इतना सही नहीं होता। कब तक लोगों से उम्मीद लगाए बैठोगे, उम्मीद सिर्फ इंतज़ार कराती है, सच्चाई नहीं बदलती। वक्त और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान अंदर से भी पत्थर बन जाता है। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। औरत की मोहब्बत मर्द को तब समझ आती है जब वो उसकी ज़िंदगी से चली जाती है। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। गुस्से में कभी कभी गलत बात मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। तो दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारी छोड़ देते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।